तो शाम को ऐसा क्या हो गया कि उस मरीज को मौत हो गई? इसका जवाब खालिद सर बेहतर दे पाएंगे। कई इंजेक्शन लगा के मारा जा रहा है और 10 दिन हुए भर्ती हुए तो 4 लाख बिल कैसे आया, 3.5 लाख कैसे आया? पर 2 इंजेक्शन लगते तो 80,000 तो आपके इंजेक्शन के ही हो जाते हैं। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के कालशेखर अस्पताल में और आपको बता दें कि यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई थी। आपको बता दें ये भी कि मुमरा शहर में कालशेखर हॉस्पिटल को लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे, चाहे वो बिल पेमेंट को लेकर हो या फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुए मरीजों को मौत को लेकर हो। पिछले दिनों जो कोविड-19 का जो जिस तरह से कह सकते हैं कोरोना संक्रमण का जो काल चल रहा था उसमें जिस तरह से मौतें हुई, हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी हंगामे भी हुए, लेकिन उन सभी मुद्दों पर जो है खुलासा करने के लिए आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और हमारे साथ कालशेखर हॉस्पिटल की CEO आफरीन सौदागर मौजूद है और डॉक्टर खालिद सर भी मौजूद हैं। हम इन दोनों लोगों से बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर इस कोरोना काल में किस तरह से मौतें हुई, क्या इंजेक्शन लगाने से हॉस्पिटल में मौत हुई या नहीं हुई, जो तमाम आरोप इस तरह के हॉस्पिटल पर लग रहे थे उन सभी के बारे में हम आज इनसे बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से इस हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है, कितने मरीज अब तक इस हॉस्पिटल से ठीक होकर अपने घर हंसते मुस्कुराते हुए लौटे हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, ठाणे महानगर पालिका द्वारा जो है इस हॉस्पिटल को कोविड-19 घोषित किया गया था, तो जब से इस हॉस्पिटल को घोषित किया गया तब से आज तक कितने कोरोना के मरीज इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए और कितने लोग ठीक होकर गए और कितने लोगों की डेथ हुई है? अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन जो है 5 मई से आज तक 977 पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए हैं। ये कल तक का डेटा है, आज का डेटा इसमें डाला नहीं गया है, बट आप कह सकते हैं तकरीबन 1000 पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हुए हैं। उसमें से 850 के करीब पेशेंट्स जो है वो डिस्चार्ज होके जा चुके हैं और अभी भी मेरे पास 80 पेशेंट्स एडमिट हैं। जो डेथ हुई है वो तकरीबन 60 से 64 पेशेंट की डेथ हुई है कालशेखर हॉस्पिटल में, बाकी सब जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिस तरह से मौत को लेकर लगातार हॉस्पिटल के बाहर हंगामा होता रहा, तमाम आरोप लगते रहे कि मरीज 14 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, वो ठीक था, आज सुबह ही वीडियो कॉलिंग हुई, तो शाम को ऐसा क्या हो गया कि उस मरीज को मौत हो गई? मेरे ख्याल से इसका जवाब खालिद सर बेहतर दे पाएंगे क्योंकि मरीज का इलाज मैं नहीं करती हूँ, मरीज का इलाज खालिद सर करते हैं। ये जो बीमारी है ना, इसके अंदर खून की जो क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं नसों के अंदर, चाहे वो नस दिमाग की हो या हार्ट की हो या लंग्स की हो। जब लंग्स के अंदर क्लॉटिंग होने लगती है तो ब्रेथलेसनेस की शक्ल में आती है, जिसकी वजह से मरीज एडमिट होता है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स और सारा ट्रीटमेंट हो कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद ऐसा भी देखा गया है कई बार के डिस्चार्ज होने के बाद भी प्रोकोगुलेशन यानी खून गाढ़ा होने की कंडीशन बरकरार रहती है और डिस्चार्ज के बाद कई बार मरीजों को लकवे जैसी शिकायत हो जाती है, हार्ट अटैक वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये जो एक दो डेथ हुई है हॉस्पिटल के पेशेंट डिस्चार्ज हुआ तुरंत बाद, उन्हें मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम के वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से सडन हमको पेशेंट को मैनेज करने का भी टाइम नहीं मिला। और ये चीज़ हॉस्पिटल के जस्ट बाहर भी हो सकती थी और वही चीज़ अगर हॉस्पिटल के अंदर रहती तो सेम चीज़ वहाँ भी हो सकती थी। ये जस्ट इस्तेफाक की बात है कि वो टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटल में ना रहते हुए हॉस्पिटल के बाहर था। अभी 2-3 दिन की बात है, एक पेशेंट गोविंदी का था जिसे जो बिलाल बीजेपी के बता रहे हो हंगामा यहाँ पर के, तो वो पेशेंट जो है करीब 15 से 14 दिन ऐसे कुछ भर्ती था और डिस्चार्ज करने की बात आई कि डिस्चार्ज किया जाएगा, तभी शाम को ऐसा बताया कि वो वेंटिलेटर पे है, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। पेशेंट कभी भी सडनली भी डिटोरिएट हो सकते हैं, ऐसा कोई पैरामीटर्स नहीं होता है कि जो आपको बता सके कि आज की तारीख में ये पैरामीटर्स है और ये पेशेंट अगले 4 दिन तक सही रहने वाला है, कोई पैरामीटर्स ऐसा नहीं होते। पेशेंट के अंदर सडन डिटोरेशन की ऑलवेज पॉसिबिलिटी होती है। और मैं ये भी बताऊं कि ये पेशेंट कौन से होते हैं, ये पेशेंट एल्डरली पेशेंट है, कोमॉर्बिडिटी पेशेंट है, ऐसा नहीं कि यंग पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है, जो 65-70 साल वाली उम्र है उनके साथ ऐसा हुआ है, ना कि यंग पेशेंट के साथ हुआ। और पेशेंट बताया ना, ये प्रोकोगुलेशन कंडीशन रहती है, उसकी वजह से कई पेशेंट हमारे डिस्चार्ज होने के बाद 2-2 दिन के बाद हार्ट अटैक लेके आए, लेकिन जो पेशेंट टाइम पे, और लोगों की किस्मत भी रहती है ना, हर पेशेंट को जिसको कॉम्प्लिकेशन होता है हर पेशेंट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो
बात अलग हो जाती है। हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं, अपने जजमेंट के साथ पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन कभी कभी पेशेंट की जनरल कंडीशन, पेशेंट की बॉडी उसको अलग तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर सकती है। डॉक्टर साहब, शहर में एक बात ये भी चल रही है कि एक इंजेक्शन, क्योंकि यह इंजेक्शन क्या लगाया जा रहा है, आखिर की ऐसा मौत हो जा रही है, कहीं इंजेक्शन लगा के मारा जा रहा है, ऐसा बहुत लोगों के दिल में एक ख्याल आ रहे हैं, तो इस पर क्या करें? नहीं, मैं तो कहूँगा ये बहुत बुरी तरह से गलतफहमी है। हम लोग जो भी इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं, लगाते हैं, वो पेशेंट से परचेज करवाया जाता है, उसका पेशेंट का बिलिंग होता है, सारे पेशेंट के पास पूरी डिटेल होती है, पेशेंट को क्या इंजेक्शन लगा है उसके बारे में कोई भी किसी से इंक्वायरी कर सकता है। हम कोई दूसरी पैथी थोड़ी ना होम्योपैथी या यूनानी या कोई और चीज़ नहीं प्रैक्टिस कर रहे जिसमें हमारे से कोई चीज़ लिखी भी नहीं है, हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में, हम क्या दे रहे क्या कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है ना, कालसेकर हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअली ऑपरेट करता है, हमको TMC को रिपोर्ट करना पड़ता है, हमको FDA को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक ऑब्जेक्शन सारे हॉस्पिटल्स पे आ चुके होते। अच्छा मैडम, जैसे बिल को लेकर यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ कि 10 दिन हुए भर्ती हुए तो 4 लाख बिल कैसे आया, 3.5 लाख कैसे आया, फिर आपके तरफ से उसमें 1-1.5 लाख का डिस्काउंट भी दे दिया जाता था, तो ये बिल इतने ज़्यादा कैसे हो जाते थे, और फिर आपके तरफ से 1.5 लाख की छूट भी दे दी जाती थी, कैसे होता है? देखिए, बिल 3-4 लाख उन्हीं का होता है जो 1.5 महीना पेशेंट्स एडमिट होते हैं, अगर पेशेंट 8 दिन एडमिट है तो 1.25 लाख के ऊपर बिल नहीं जाता है। उसमें एक चीज़ ये है कि टोक्लिजुमाब इंजेक्शन है, इंजेक्शन ही 40,000 का है, अगर 2 इंजेक्शन लगते हैं तो 80,000 तो आपके इंजेक्शन के ही हो जाते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन है, 5,000 का एक इंजेक्शन है, अगर 6 इंजेक्शन देते हो तो 30,000 रुपये इसी के हो जाते हैं। तो इसमें दवाइयाँ भी हैं, बिल सिर्फ हॉस्पिटल का नहीं है, बिल दवाइयों का भी है, और 1-1.5 लाख रुपये ऐसे कम नहीं होता है। बिलिंग जो है पहले जनरल कैटेगरी में होती है, और जब पेशेंट लाके अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड देता है तो उसको जो है CM रेट के हिसाब से लगाया जाता है। जो मतलब अब तक COVID-19 जब से घोषित हुआ है तो मुमरा कौसा के कितने मरीज थे, और बाहर के जो है कितने मरीज है, और डेथ कितने मरीजों की, ये कंफर्म करें। बाहर के जो है मेरे पास 5% पेशेंट्स आए होंगे, उनसे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इनिशियली ही जब हमने शुरू किया था उसके 8-10 दिन ही हमने पेशेंट एडमिट किए, उसके बाद सारे मुमरा कौसा मैं नहीं बोलूँगी बट सब TMC के ही पेशेंट्स हैं। जो डेथ है वो 64 पेशेंट्स की डेथ हुई है, पॉजिटिव पेशेंट्स की, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं। पेशेंट पे 6-8 ऐसे PPE किट इस्तेमाल का जो है बिल बनाकर देते थे, तो वास्तव में आपके यहाँ एक पेशेंट को कितने किट एक दिन में चार्ज किए जाते हैं? पर डे पर पेशेंट हमारे पास 2 PPE किट चार्ज होते हैं, क्योंकि मेरे पास स्टाफ जो है वो 200 का स्टाफ काम करता है, और एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम 70-100 पेशेंट तक कालसेकर में एडमिट होते हैं। फिर ये 6-7 एक दिन का चार्ज कैसे अमाउंट में बिल बना के दिया? ये हो सकता है कि पेशेंट टोटल 10 दिन एडमिट रहा हो और 7वें, 8वें, 9वें दिन पेशेंट ने के बिल में PPE चार्ज नहीं हुआ है, इसलिए 10वें दिन चारों दिन के मिला के एक साथ हुए हों। बट मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आते हैं तो आप सिर्फ एक बार काउंट चेक कर लीजिए कि अगर 10 दिन का एडमिशन है तो सिर्फ 20 PPE किट लगे हैं कि नहीं। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल आपसे है कि जैसे अभी कोरोना काल है, मुमरा में थोड़ी स्थिति सामान्य है, कम मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको जरा भी लग रहा है कि कुछ कोरोना के संक्रमण आपके अंदर है या एसिम्प्टोमेटिक है, तो आपको ऑक्सीजन की अगर कमी भी लग रही है तो आप फौरन के अस्पताल में उसको पहुंचना अनिवार्य है, ज़रूरी है, उसे पहुंचना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर किसी भी पेशेंट को बुखार आता है, और ख़ासकर वो 40 साल से ऊपर ज़्यादा है और उनको कई बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब है, और सांस की कोई बीमारी है, तो ये मरीज़ का जो इलाज कर रहा है या मरीज़ ये समझे कि इस वक्त हमको जो नॉर्मल हम टाइम में ये बुखार समझते हैं कि मलेरिया टाइफाइड हो सकता है, उसमें ये भी समझे कि इसमें कोरोना का भी बुखार होने का चांस है, ताकि पहले से ही थॉट प्रोसेस उस लाइन पर रहे, इन्वेस्टिगेशन उस लाइन पर हो, और उस तरह से पेशेंट को मैनेज किया जा सके। जैसे हर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल जब पहली बार जाता है GP के पास तो चेक करे, और जब 3-4 दिन बाद जाता है तो चेक करे, क्योंकि जब 3-4 दिन बाद उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है, तो ये मलेरिया टाइफाइड में उमूमन नहीं होता, ये कोरोना जैसी बीमारियों में ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का सफ़र होने लगता है, पेशेंट को दम लगने लगता है, तो अगर उस टाइम पे उसका सैचुरेशन जब बॉर्डर लाइन होता है उस टाइम पे अगर वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू करे या हॉस्पिटलाइज हो जावे तो उसका बेहतर तरीके से इलाज हो सकता है और वो बैड होने से बच सकता है। आज की तारीख में लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने इधर उधर से ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करके घर पे ही लोगों को मैनेज करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। उसमें क्या होता है, 4-5 दिन पेशेंट को रखते हैं, कंडीशन इंप्रूव नहीं होती और बैड हो जाती है, तो हमारे लिए जो प्रीशियस 5 डेज है जहाँ पे हम
एंटीवायरल और अदर मेडिसिन देके पेशेंट को और अच्छे से स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए वो टाइम निकल जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस हाँ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो उस वक्त हम कुछ भी करने जाएंगे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि पेशेंट जल्दी स्पेशलिस्ट को कॉन्टैक्ट करें और घर पर ऑक्सीजन रख के इलाज ना करें। और दूसरा, बाकी जो 3 पैरामीटर जो गवर्नमेंट ने बताया, हर चीज़ हर आदमी को फॉलो करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग करना चाहिए, ये 3 चीज़ें करें और थोड़ा सा सतर्क रहें कि बुखार के लिए इस टाइम बुखार में कोरोना को साथ में लेके चलें और उसी लाइन पे थॉट प्रोसेस रख के इलाज करें और इन्वेस्टिगेट करें ताकि आगे कंडीशन मरीज़ की डिटोरिएट ना हो। तो आपने सुना कि जिस तरह से आज कालशेखर हॉस्पिटल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें जानकारी दी गई कि जब से ठाणे महानगर पालिका ने इस हॉस्पिटल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए घोषित किया था, उसके बाद से यहाँ पर कितने मरीज जो है भर्ती हुए, कितने मरीज यहाँ से ठीक होकर गए, कितने मुंबरा कौसा और कितने बाहर के मरीज यहाँ पर भर्ती हुए थे, कितने मरीजों की डेथ हुई, ये पूरी जानकारी यहाँ की कालशेखर अस्पताल के जो CEO हैं अफरीन सौदागर, उन्होंने जानकारी ये दी है। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।